ओके सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप सिंपली वीडियो देखने वाला जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया मैंने आप सभी को, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को चले जाना है ऐसे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस, आप सभी को जाना है ऐसे ऐड फोटो में। एंड ऐसे ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को यहाँ पे आपका मॉडल मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी को यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड कर लेना है। एंड ऐसे ऐड कर लेने के बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको डन कर देना है एक बारी, ठीक है। डन कर देने के बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, मैं पहले इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करूँगा गाइस, ठीक है, क्योंकि मेरे को उस तरफ करना है इसको। तो उसके लिए क्या करूँगा, पहले इसको फुल साइज़ कर लूँगा, इसको मेरे को जितना रखना है। एंड इसको एक बार टैप करेंगे, एंड से लेयर में जाएंगे, एंड यहाँ से जाएंगे हम थ्री डॉट पे, एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। एंड इसको हमें कुछ इस टाइप को रोटेट कर लेंगे, एंड उसके बाद हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे इसको सेट कर देंगे, ठीक है। एंड कैसे मॉडल का बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा है, जिसको इरेज करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक दे रखी है, आप उसको देख लेना, आपको उसके इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद मैं यहाँ पर डन कर दूंगा। एंड उसके बाद यहाँ से एक एम्प्टी लेयर बना लेंगे, और एम्प्टी लेयर को ले जाएंगे हम यहाँ पर अपने मॉडल के नीचे। एंड यहाँ से हम जाएंगे ब्रश में, एंड यहाँ से आपको साइज और ओपेसिटी कम कर देना है। एंड उसके बाद आपको फटाफट से यहाँ पे शेडो को क्रिएट कर देना है। ओके गाइस, सो इतना कर देने के बाद गाइस, आपसे को फिर क्या करना है, शेडो क्रिएट करने के बाद आपसे को यहाँ से थोड़ी सी इसकी, मतलब कि मेरी शेडो की जो है इसकी ओपोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसके नीचे वाले की शेडो की थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे परफेक्ट है। एंड इसके बाद यहाँ पे डन कर देंगे, एंड ऐसे डिस्कार्ड करेंगे, एंड ऐसे गाइस चलेंगे हम बैग। एंड इसके बाद गाइस, मेरे को लगता है कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉप करने की ज़रूरत है फोटो को, तो यहाँ से हम थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐसे किस टाइप से क्रॉप कर लेते हैं। एंड अगर आपके फोटो में भी अगर आपको लगे क्रॉप करने की जरूरत है, तो आप भी कर लेना कुछ इस टाइप से ही, ठीक है। तो फोटो को जूम करके, एंड कुछ वैसे ही इरेज मत कर लेना कहीं कि इंस्टाग्राम साइज़ में ही क्रॉप करना है, बस फोटो को आपको जूम कर लेना है, एंड वो इजीली क्रॉप हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप से कर लेने के बाद, क्रॉप कर लेने के बाद, आपसे गाइस फिर क्या करना है, आपसे ऊपर डन वाले ऑप्शन में क्लिक करके डन कर देना है। एंड ऐसे गाइस चले जाना है ऐड फोटो में, एंड आपसे एक पीएनजी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम एक पीएनजी को ले लेते हैं उस जो हमें यूज़ करना है, तो ऐसा मैं ले लेता हूँ। एंड ऐसे ऐड करते हैं, एंड इसको आपको गाइस ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको फुल स्क्रीन करना है, ऑटोमेटिकली कुछ इस टाइप से ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपसे को फिर क्या करना है, ऐसे कर देना डन, ठीक है। सो ऊपर वाले ऑप्शन, डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, एंड ऐसे कर देते हैं डन। एंड इसके बाद गाइस आपसे को फिर क्या करना है, आपसे भी यहाँ से चले जाना टूल्स में, फिर यहाँ से चले जाना एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आपसे जो ब्राइटनेस ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, एंड रिजल्ट टूल में जाना है, ऐसे इन्वर्ट कर देना है, ब्रश को क्लिक करना है, एंड साइज थोड़ा अपने हिसाब से रख लेना है। एंड फोटो को फिर क्या करना है, आप सभी को फोटो को ऐसे जूम कर लेना है, एंड उसके बाद आपको बॉडी को ऊपर कर देना है डोजन बन, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो मतलब बॉडी होती है हमारी, वो थोड़ी ग्लो करती है, तो यार फोटो में जो एक रियलिस्टिक से लुक आता है, एंड काफ़ी मतलब कि प्रोफेशनल टाइप का ये फोटो हमारी लगती है यहाँ पे। तो गाइस ये जरूर करना आपको, ये सब कर लेना आप भी गाइस, ठीक है। फेस वगैरह पे अगर आपको जरूरत हो तो वहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद यहाँ पे हम डन कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस अब हम इसमें करनी है कलर क्रिएशन, तो इस फोटो का हम यहाँ पे सेव कर लेंगे, एंड इसको ओपन कर लेंगे लाइट रूम ऐप में, ठीक है। तो लाइट रूम ऐप में ओपन कर लिया मैंने फोटो को, तब क्या करेंगे हम यहाँ से चले जाएंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में, एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, एंड हाईलाइट को भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, एंड जो शेडो है इसको भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, एंड जो वाइट है इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, एंड ब्लैक है जिसको भी हम थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद जाना है आपको कलर्स वाले ऑप्शन में, यहाँ पे वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे टेम्परेचर को थोड़ा माइनस कर देना है, एंड चले जाना कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन को थोड़ा माइनस कर देना है। एंड यहाँ चले जाना येलो कलर में, इसका ह्यू माइनस कर देना है, एंड सैचुरेशन प्लस कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आपको ग्रीन कलर को लेना है, इसका ह्यू माइनस कर देना है, एंड सैचुरेशन प्लस कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको डार्क ब्लू में जाना है, इसका सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड उसके बाद आपसे फ्री क्या करना है, आपसे यहाँ से डन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आपसे यहाँ से चले जाना है नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी आप सबको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड जो गाइस फोटो में विग्नेट है वो डाल देना है, ठीक है। फोटो में विग्नेट जरूर डालना है, एंड उसके बाद आप सबको नीचे ग्रेन अमाउंट पे लेगा, आप सबको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद चले जाना है नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड गाइस नोइज रिडक्शन आप सभी को उसको बढ़ा देना है, एंड जो गाइस कलर नोइज रिडक्शन आप सभी को उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। तो फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।